हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कई लोगों ने मुझे बोला, सर मुझे टावर डिज़ाइन करने में प्रॉब्लम आती है, टावर में डिज़ाइन नहीं कर पाता हूँ, प्लीज़ बताइएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाते हैं टावर डिज़ाइन के लिए, आप लोगों के लिए। तो आज की वीडियो हम लोग टावर डिज़ाइन पढ़ेंगे, पूरा लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप देखते हैं तभी हमें मोटिवेशन मिलता है, आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो हम दूसरे टॉपिक्स लेके आते हैं। सो प्लीज़ सब कुछ करना है आपको, और अगर नए लोग हैं तो इसको सब्सक्राइब करना है यार, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वायरल करना, जिससे कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज दे सके जो भी हमारे पास है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अगर आपको इसको टावर डिज़ाइन करना है तो हमें एक ग्रिड को एडिट कर देना चाहिए। लाइक अभी ग्रिड ऐसा है, हम इसको अगर ऐसा कर दे तो इजीली हम ग्रिड को एडिट कर सकते हैं, लाइक एक्स जेड प्लेन। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे देखिए मैं आपको बहुत ईजी मेथड बताऊंगा। बस फर्स्ट पॉइंट पर क्लिक करिए और इसके बाद इसको यहाँ से स्नैप को बंद कर दीजिए। नाउ जस्ट क्रिएट हियर फ्रॉम योर सेलेक्ट नोट, सेलेक्ट कंट्रोल सी कंट्रोल वी, विच डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, 4 मीटर। ओके, देखो यहाँ से यहाँ तक आ गए हम लोग। जस्ट सेलेक्ट बोथ कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इन एक्स डायरेक्शन 4 मीटर। ओके, नाउ वी हैव दिस 4 एंड दिस 4, टोटल 4। ओके, आफ्टर दिस हमें, अब देखो ये तो गया नीचे का, लाइक ये आपका आपका कॉलम बन गया, ठीक है। अब ऊपर जाओगे हाइट पे, तो हाइट पे जाने के लिए एक आसान तरीका है आपके लिए, बस यहाँ पे क्लिक करना एंड देन अगेन स्नैप ऑफ, सेलेक्ट नोट कंट्रोल सी कंट्रोल वी, आगे की ओर आ जाना, मतलब जेड डायरेक्शन में आ जाना 2 मीटर्स। ओके, अब इन दोनों को सेलेक्ट करना फिर से, कंट्रोल सी मीन्स कॉपी, कंट्रोल वी मीन्स पेस्ट, और आप एक्स एक्सिस में चले जाना 2 मीटर। देखो आपके पास ये चार है, कॉर्नर्स आ गए। अब इन चारों को सेलेक्ट करना, कंट्रोल एक्स मतलब कट, यस कंट्रोल वी मतलब पेस्ट, वाई डायरेक्शन मतलब हाइट में। तो अपने हाइट में इसको मान लो दे दिया हमने 4 मीटर हाइट। ओके, एंड जस्ट क्लिक ओके। अभी हम देखो यहाँ पे आ चुके हैं। नाउ अगेन जस्ट क्लिक दिस वन, मतलब सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, फिर से हम लोग जाएंगे वाई डायरेक्शन में, और अब क्या वाई डायरेक्शन में हम चले गए अगेन 4 मीटर। पहले इधर से कॉर्नर से ऐसा आया टावर, अब स्ट्रेट जा रहा है, ठीक है। अब फिर से एक्सप्लेन करेगा तो उसके लिए फिर से सेलेक्ट करो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, वाई ही डायरेक्शन में 1 मीटर, एंड ओके। अब देखो क्या करना है, अब आप चाहो तो इनका ग्रिड मिला दो क्योंकि आपको इजी हो जाएगा। सो एड बीम फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर, ये तो गया एडमिन। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसको कॉर्नर मिला दो, यहाँ से यहाँ तक मिला दो, यहाँ से यहाँ तक मिला दो, यहाँ से यहाँ तक मिला दो, फिर इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, ये इससे, आई थिंक डन, या दिस वन, फ्रॉम हियर टू हियर, 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 दिस वन, ठीक है। इस तरीके से हमने मिला दिया, अभी टावर नहीं लग रहा है, थोड़ा वेट करो अभी लग जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे यार, कंट्रोल्स सबको सेलेक्ट कर लो, और उसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब मैं इधर लेके आऊँगा इसको, और इधर मैं लेके आया 1 मीटर, सो दैट डायरेक्शन इज -x, तो -1। ओके, और अगेन आई विल क्लिक फॉर दिस वन ऑल्सो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और अब यार पॉजिटिव एक्स में 1 मीटर चले गए और कर दिया हमने ओके। फिर वही एड बीम, देखो ये डिपेंड करता है आपका टावर है कैसा, ठीक है। अगर आपका टावर जिस शेप का है उस शेप से आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी मेथड को अगर यूज़ करेंगे तो मेरा जो एक्सपीरियंस है भाई, बहुत अच्छे से आप बना सकते हो, कोई भी टावर आप तैयार कर सकते हो कंट्रोल सी कंट्रोल वी मेथड से इजली। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, बस आप देखते रहिए कि वो कैसा दिख रहा है। देखो जब इसके नोट को मिलाते हैं तो बहुत ध्यान से मिलाना पड़ता है, क्योंकि ये नोट ही आपको फिल कर सकते हैं आपके स्ट्रक्चर को, और यही नोट आपके स्ट्रक्चर को पास कर सकते हैं। ओके, हाँ अब यहाँ पे आपको एक काम करना चाहिए, अब ये देखिए यहाँ से एक नोज निकला रहता है कॉर्नर्स पे, तो वो नोज के लिए आपको यहाँ से यहाँ तक लाइन मिलानी पड़ेगी, लाइक फ्रॉम एड बीम फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम हियर टू हियर, यही इधर भी बताता हूँ क्यों। मुझे ना इसका इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए,
तो उसके लिए आपको एड बीम सेलेक्ट करना पड़ेगा, लाइक दिस वन सेलेक्ट एंड दिस वन सेलेक्ट। ज्योमेट्री पे जाना पड़ेगा, इंटरसेक्ट सेलेक्टेड मेंबर्स, और यहाँ पे इंटरसेक्ट पे क्लिक करके ओके करना पड़ेगा। जैसे ओके करोगे तो फोर बीम क्रिएट हो गया, टू दिस साइड, बस हमें यही पॉइंट चाहिए था। सेलेक्ट दिस पॉइंट, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, अगेन हम वाई डायरेक्शन में, सॉरी एक्स डायरेक्शन में -1 मीटर आ जाएंगे ऐसे। और सेम इधर से भी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कौन से डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में 1 मीटर ओके। अब ये मिडिल का बीम का काम नहीं है, इसको हम सिर्फ इसके लिए ही यूज किए थे, इसको भी हमने डिलीट कर दिया। यस ओके। अगर आपको इसमें कोई डाउट आता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से टॉक कर सकते हो, अदरवाइज कमेंट करके बता देना, तो कमेंट करके अपने नंबर डाल देना, तो हम जब भी फ्री होंगे तो आपको व्हाट्सएप कर देंगे कि हाँ जी ये प्रॉब्लम है ओके। देखो इधर का नोच तैयार हो गया, इस नोच पे क्या होता है ना, यहाँ पे वो टावर का जो रहता है ना सर्किल सा प्लेट, और इधर वो प्लेट लगाते हैं लोग, इसलिए हमको ये बनाना ज़रूरी है ओके। सेम फॉर हाइट ऑल्सो, सो एड बीम एंड अब बीम को सेलेक्ट करो यार यहाँ से, और ज्योमेट्री इंटरसेक्ट ओके। आफ्टर दिस अब ये जो नोट है इसको सेलेक्ट कर लो ऐसे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कौन से डायरेक्शन में, वाई 1 मीटर ओके। और अब फिर वही इसको भी सेलेक्ट करो और डिलीट कर दो, एड बीम फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम हेयर टू, क्लियर है क्या? चलो हमने ऊपर का तो टावर हमारा फिट तैयार हो गया, अब नीचे भी हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे भी हमको यहाँ पे अपने टावर के लिए नोट्स क्रिएट करने पड़ेंगे ठीक है। नोट्स क्रिएट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा और इनके पार्ट्स डिवाइड करने पड़ेंगे राइट। तो उसके लिए यहाँ पे जाना आप इंसर्ट नोट, और यहाँ पे जाके अभी को यहाँ पे डिस्टेंस पूछ रहा है, बट हमें किस पे चाहिए, हमें केवल दो पार्ट में चाहिए, तो हमें हमको केल दिए टू पार्ट्स ओके, और कर दिया ओके। फिर से हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको और इसको और इसको, हमने कहा इनको भी टू पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो हमने यहाँ पे गए और यहाँ पे इनको भी हमने टू पार्ट्स में लिया और कर दिया ओके ठीक है। अब यहाँ लगता है ब्रेस कॉलम, क्या लगता है ब्रेस कॉलम, तो उसके लिए एड बीम फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर, फ्रॉम हेयर टू हेयर, हेयर टू हेयर। अब इसमें बस एक चीज़ का ध्यान देना पड़ता है, कभी नोट गलत जगह ना लग जाए, क्योंकि अभी तो देखो अभी एक साइड लगा रहा हूँ, जब दूसरे साइड लगाऊंगा तो आपको कॉम्प्लेक्शन दिखेंगे इसमें, चाहो तो आप ग्रिड ऑफ कर सकते हो, अभी ग्रिड की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान से आपको इसको लगाना है। ओके इधर भी डन, उसके बाद यहाँ से क्लिक करिएगा, यहाँ से क्लिक करिएगा, क्लिक क्लिक क्लिक, और यहाँ से फाइनल। तो ये हमने दो साइड नोट तैयार कर लिए, अब उधर का भी नोट तैयार करना है, तो आप अच्छा होगा आप इसको रोटेट कर देना इस तरीके से। रोटेट करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड ऐसे ही कन्फ्यूजन होता है, अब लगता है कौन सा पॉइंट है, तो ये थोड़े से मज़ेदार भी होता है, अगर और कॉम्प्लेक्सन क्रिएट ले लोगे तो और ज़्यादा मज़ेदार क्रिएट होता है। अब ये डिपेंड करता है आपका सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट कितना है, उसके हिसाब से ही आप कर पाओगे, अगर इंटरेस्ट नहीं है अरे यार क्या है ये, ऐसे करके रख जाओगे, तो बेटर होगा कि सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट लेके आओ। यस ओके आई थिंक यहाँ पर हमने गलत नोट लगा दिया है, देखता हूँ पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। देखो यहाँ पे बहुत कॉम्प्लेक्शन होता है, सही है करेक्ट ओके, बस यहाँ से यहाँ आना है ठीक है,
यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ आना है, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। देखो जो पूरा दिमाग लगाना है बस इसी नोड में लगाना है, ठीक है। अगर नोड गलत होता तो आपके लिए समस्या होगा, तो बेटर होगा कि थोड़ा सा ध्यान दे के आप नोड को लगा दीजिए, ठीक है। और जैसे लगाते हैं उसके बाद आपका नोड इस तरह तैयार हो जाएगा। नो, मुझे लग रहा था गलत है बट सही है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, दैट इज़ जनरल, ओके। और जनरल पे जाकर अब देखिए इसमें एक होता है विंड का प्रेशर लगा सकते हैं। अगर आपको विंड का प्रेशर नहीं आता है तो आप हमारा जो विंड का एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है उसको देख लीजिएगा किस तरीके से लगा, बहुत ईजी स्टेप है। मैं अभी विंड का प्रेशर नहीं लगा रहा हूँ, मुझे थोड़े सा और भी चीज़ें करनी है, तो आप अभी मैं इसको नॉर्मल तरीके से एनालाइज करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे, आपको सेक्शन डाटाबेस पे जाना पड़ेगा और फिर आपके सामने एक बॉक्स खुलेगा जिसमें आपको हॉट रोल स्टील, ये सारे क्या है, हॉट रोल स्टील ये नहीं यूज करना है, आपको जाना है कोल्ड रोल स्टील, और कोल्ड रोल स्टील में जाके इंडियन पे जाना है, और इंडियन में जाके अलग अलग सेक्शन मिलेंगे, ठीक है। मैक्सिमम हम लोग इसको टावर को एंगल सेक्शन से यूज करते हैं, तो एंगल सेक्शन लेने के बाद अब आपको देखना है कौन सा मेंबर लेना है मुझे। देखो ये हमने ले लिया सबसे छोटा मेंबर, वो कॉर्नर कॉर्नर पर जो नोड लगे हैं उनके लिए। उसके बाद हमने ले लिया ये सारे मेंबर्स ब्रेस कॉलम के लिए, ये हमने ले लिया बीम्स के लिए, और कॉलम के लिए थोड़ा हैवी ले लिया इस तरीके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉलम। देखो जब कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट बीम्स पैलर टू करोगे आप, और यहाँ पे बीम्स पैलर टू वाई करोगे तो इतने ही सेलेक्ट होंगे, बट मुझे तो ये भी सिलेक्ट करने हैं, और प्लस ये तो कॉलम है नहीं, तो इनको आप क्या करना, डी सेलेक्ट कर देना। इस तरीके से डन। इसके बाद साइन और यस, फिर ये बीम्स लेना, और बीम्स लेके आपको अच्छा होगा किसी व्यू में जाना, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बीम मिलेगी, ठीक है, और इसके बाद ये भी मिलेगी, ठीक है। इसको लो और इसको लो और इसको लो, इन सबको क्रिएट कर देना, और क्रिएट करके असाइन यस। ये छोटे छोटे मेंबर भी डिफाइन कर देते हैं अभी, ये मेंबर को हमने बोले थे क्योंकि इनको हल्का रखना पड़ता है कॉर्नर पे, जस्ट यहाँ पे सपोर्ट लगाने के लिए यूज़ होता ही है, इसको बंद कर दे यस। इसके बाद आपके पास बचता है आपका ब्रेस कॉलम, तो कॉलम ये है, और इसके लिए अच्छा होगा कि आप यहाँ से जाइए इस तरीके से असाइन यस, ठीक है। अब ये तो एक डायरेक्शन में लगा है, दूसरे डायरेक्शन में लगाने के लिए फिर से आप इसको सेलेक्ट करिएगा यहाँ से यहाँ तक असाइन और यस, ठीक है। अब अगर आपको अब जैसे आपने फाइनल कर लिया कि चलो सब जगह लग गया, तो एक बार चेक कर लेना चाहिए कैसे, सेलेक्ट मिसिंग प्रॉपर्टी, ये देखो दो भी बचे थे, और इन दोनों के लिए अच्छा होगा कि हमें बीम्स लेना है, तो बीम्स लेने के लिए ये लिया, और चलो एक बार मिसिंग प्रॉपर्टी करके सर्च कर लो, बेटर रहेगा। मिसिंग प्रॉपर्टी आपको मिल गया, और असाइन यस, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे चलने के लिए सपोर्ट पे जाएंगे, और यहाँ पे क्रिएट करेंगे फिक्स सपोर्ट, सॉरी एक चीज़ का ध्यान देखना है, ये जब टावर स्ट्रक्चर होता है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पिन सपोर्ट, जिसको हिंज सपोर्ट बोलते हैं, वही लगेगा, तो इसको डिलीट कर देना। क्रिएट फिक्स और पिन, सॉरी पिन, और उसके बाद पिन लेने के बाद फ्रंट व्यू में जाना इस तरीके से, असाइन असाइन यस, ओके। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज लोड एंड डिफिनेशन, ठीक है। लोड एंड डिफिनेशन पे आना है। अब यहाँ पे आपके पास सबसे मेन है स्टील स्ट्रक्चर, तो इसका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है 1.15 होता है। उसके बाद इस कॉर्नर पे क्या आपका जो जो आपका लगा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक का, लाइक इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कंपोनेंट, वो कंपोनेंट सारे जो कंपोनेंट है सारे के मिला के वेट क्या होंगे उनके, तो उस नोड पे आएंगे वो वेट, ठीक है। तो वेट कितने आएंगे वो आपको कैलकुलेट करके डालना रहेगा। तो एल लोड केस डिटेल ऐड, क्योंकि वो सारे प्लास्टिक के रहते हैं तो कुछ खास वेट नहीं आता, इसलिए आपको वहाँ ज़्यादा लोड नहीं लगाना है, डेड लोड और क्लोज। तो आपको यहाँ पर डेड लोड पर क्लिक करके ऐड फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 ऐड, और इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे मेंबर नोडल लोड, और नोडल लोड पे जाके ये पॉइंट लोड है ऊपर से आ रहा है, मतलब ये पॉइंट डायरेक्शन में जो एलिमेंट्स का वेट है
सपोज हमने 0.5 किलो न्यूटन का वेट लिया है, आपको जो भी वेट मिलेगा वो वेट आप ले सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्लिक करिए, सेल वेट लगा दिया, या असाइंड व्यू कर सकते हैं, यस। इसके बाद ये पॉइंट लिया और यहाँ से हमने नोट्स ले लिए, और नोट्स लेने के बाद ये नोट और उसके बाद ये नोट, दोनों नोट को सिलेक्ट किया, असाइन टू सिट नोट, असाइन, यस। और यहाँ से आप इसको क्लिक कर देंगे लोड्स पे, ओके। इसके बाद आपको जाना है एनालिसिस एंड प्रिंट, कहाँ जाना है, एनालिसिस एंड प्रिंट, और ऑल एट क्लोज, एनालाइज रन एनालिसिस सेव। तो ये आपका एनालिसिस हुआ है, डिज़ाइन नहीं हुआ है। डिज़ाइन के लिए कुछ स्टेप और है, तो वो भी हम लोग देखेंगे कि डिज़ाइन किस तरीके से होगा अब रिपोर्ट आने के बाद। जब उसमें आप बिंड का प्रेशर लगा देते हो तो ज़्यादा स्टील लगता है कंपेयर टू अभी। अब इस पे व्यू आउटपुट फाइल देखते हैं, डन। आपको पता होना चाहिए स्टार्ट पर थोड़ा टाइम लेता है, ओके। मेंबर 78 एंड आर बिटवीन सेम जॉइंट। अब देखिए मैंने यहाँ पे 78 और 104 जो जॉइंट है ना, दोनों को एक ही जगह लगा दिया गलती से, इसने मुझे बता भी दिया, ठीक है। तो अब एक तो उपाय है कि आप इसको सर्च कर लो, मतलब मैं इसको सर्च कर लूँ, मुझे लगता है ये यहाँ वाला मेंबर है या यहाँ वाला मेंबर है। अदरवाइज अगर आपको, आप जैसे मुझे अभी डिजाइन करना है तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया। आपको पता करना है तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जाएंगे कौन सा आपके पास ये लेवल्स पे जाएंगे, और यहाँ पे आपको अगर जॉइंट्स देखना है तो यहाँ पे आप नोट्स पे क्लिक करके ऐड कर देंगे तो नोट्स दिखने लगेंगे। बट अभी मैं इसको डिज़ाइन करने जा रहा हूँ, तो फॉर डिज़ाइन जस्ट क्लिक ऑन डिज़ाइन, स्टील IS 801 लेना है यहाँ पे, 800 नहीं लेना, IS 801, क्योंकि ये कोल्ड रोल स्टील है, टावर स्ट्रक्चर है, इसके लिए स्पेशली 801 है। सेलेक्ट पैरामीटर, सबको इधर भेजिए, यहाँ से यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील को ऐड करिए, और ऐड करके ओके करिए। अब यील्ड स्ट्रेंथ जो होता है ये 350 होता है, 350,000 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसके बाद कमांड्स पे जाइए, आपको यहाँ पे लेना है चेक कोड, ऐड मेंबर टेक ऑफ, ऐड मैंने ग्रुप नहीं बनाया है, सेलेक्ट ऐड टेक ऑफ ऐड, और सबको असाइन कर दीजिए एक एक करके। तो हमने सबसे पहले इसको लिया असाइन टू व्यू, असाइन एस, इसको लिया असाइन टू व्यू, असाइन यस, फिर इसको लिया असाइन टू व्यू, असाइन यस, और फिर इसको लिया असाइन टू व्यू, असाइन यस। हमने सारे मेंबर्स को लगा दिए, एक बचा हुआ है, ओके डन। अब इसके बाद एनालाइज पे जाइए, रन एनालिसिस सेव, यस। यहाँ से आपको रिपोर्ट मिल जाएगी कि मेंबर आपके पास है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, ओके। आफ्टर दिस व्यू आउटपुट फाइल, डन। रिजल्ट, और अब यहाँ से आप देख सकते हैं स्टील डिज़ाइन, देखिए आपका मेंबर क्या है, पास है, और साथ ही साथ आपका प्रॉपर्टी सारा का सारा यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, ओके करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे सभी मेंबर्स आपके पास हैं, और यहाँ पे आप जाके टेक ऑफ आपने किया था ना, टेक ऑफ मतलब होता है ओवरऑल मटेरियल, तो ओवरऑल मटेरियल यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कितना मटेरियल लगा, ये देखिए 3.6 किलो न्यूटन आपका लगा, क्योंकि हमने बहुत छोटे छोटे मेंबर्स लिए हैं। अब यहाँ पे अच्छा ये होता है लाइक स्टैट प्रो में, कि आपका ना एक मेंबर जो है उसका साइज क्या लेना है, लेंथ, उसका वेट क्या आएगा, एक एक मेंबर का ये बता देता है आपको रिपोर्ट, ठीक है, ठीक है। मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा एक नोट एक साथ हो गया था, तो आप उसको जब आप लगाएंगे तो आप थोड़ा सा टाइम लेकर लगाइएगा, तो आपका जो नोट है वो बराबर में अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से टावर डिज़ाइन करते हैं। क्या आपको कोई और डिफरेंट टाइप का टावर भी चाहिए क्या, और साथ ही साथ उसमें विंड कंप्रेसर भी चाहिए क्या, कि कई एक लोगों ने बोला कि केनोपी सर चाहिए, डेफिनेटली मैं केनोपी भी बनाऊंगा यार, थोड़ा सा वेट करना। और आपको और कोई टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, और साथ ही साथ अगर अच्छा लगे तो इसको इतना शेयर करना कि मैं नेक्स्ट टॉपिक जल्दी ही लेके आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस गाइज, बाय बाय।